ये है साउंड ट्रैक। ट्रैक के इस एपिसोड में हम ले जा रहे हैं परिक्रमा को कैलिम्पोंग के स्टूडेंट टाउन में, जहां हम ढूंढेंगे एक ऐसी मल्टीलेयर्ड साउंड जो उनके ट्रैक बटर ट्रेन के साथ घुल मिल सके। उन्हें उम्मीद है कि कैलिम्पोंग के कमाल के नज़ारे, बच्चों के दिल को छू लेने वाले क्वायर और ऑर्केस्ट्रा और एक मशहूर लोकल परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप उनके इस कोलैबोरेशन में जोड़ेंगे फ्लेवर, कलर और इमोशंस। गांजोंग दियोघर एक टिबेटन परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप है जिसके पेट्रन हैं दलाई लामा। इसकी शुरुआत हुई 1994 में और इसका मकसद है पूरी दुनिया में सॉन्ग, डांस और म्यूजिक की परफॉर्मेंसेस के जरिए टिबेटन हेरिटेज को बचाना। मैं हूं जिग्मी वांगचुक और मैं टिबेटन सिखाता हूं। एक्चुअली हमारा एक स्कूल है जिसका नाम है ITBCI, जो है इंडो तिब्बत बुद्धिस्ट कल्चरल इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सैमडुंग और मैं पढ़ाता हूँ गांगजुंग दियोघर में। ये है एक इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी 1994 में और इसकी शुरुआत के बाद से ही हम पूरी दुनिया में परफॉर्म करने लगे थे। उनकी प्रॉपर क्लास होती है, लैंग्वेज क्लास, सिंगिंग, डांसिंग, सब तरह की। मैं हूं कमल गुरुंग, मैं म्यूजिक सिखाता हूं गांधी आश्रम स्कूल। परिक्रमा इंडिया के बेस्ट बैंड्स में से एक है और ये हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए और स्टूडेंट्स के लिए गर्व की बात है। इट्स अ न्यू वे, ये एक नया एक्सपीरियंस है हम सब के लिए परिक्रमा के साथ काम करना। मेरा नाम है शेन विलियम सेवियो। मैं इस इंस्टीट्यूशन में 23 सालों से हूं और इस कॉर के साथ ही मेरा 13वां साल है। ये मेरे लिए एक पैशन है। इस स्कूल के लिए ये एक मील का पत्थर होगा परिक्रमा के साथ कोलैबोरेट करना। तो क्या लगता है सोनम, इन सब लोगों के साथ रिहर्सल करने के बाद? सभी हिस्सों की तैयारी हो गई है, शुरुआत करेंगे ओपेरा सिंगिंग से। तो ठीक है, हम चलकर वहां देखते हैं कि सब कैसा हो रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें डिटेल्स पर काम करना होगा, बाकी सब तो तैयार है। तो सब कुछ ठीक है, मतलब बच्चों ने अपना काम कर लिया है? बच्चे और कॉयर जो गांधी आश्रम में है उन्होंने अपने अपने पार्ट तैयार कर लिए हैं। तुम्हें बस उन्हें सुनना होगा और अगर कुछ चेंजेस हैं तो बता सकते हो। यस, वो सब काफी एक्साइटेड हैं परिक्रमा के साथ परफॉर्म करने के लिए। मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ यार, इसमें मजा आएगा। गांधी आश्रम का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है और ये जो आश्रम है ये अनाथ बच्चों और बहुत ही गरीब घर के लोगों के लिए है। मुझे लगता है ये पहली बार है जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और लगता है कि जो सॉन्ग है वो भी एक तरह से बच्चे की कहानी से जुड़ा हुआ है। बच्चे की और एक फैमिली, हाँ, की। एक फैमिली और बच्चे के साथ, तो मुझे लगता है ये सब आपस में मिलकर काफी अच्छा लगेगा। शायद इन बच्चों को इस बात का एहसास नहीं है कि इनके इस गाने से जुड़ने की वजह से
इस गाने में एक मासूमियत सी आ गई है। But it rained. Once more. But it rained. Da 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 da. But it rained. और बारिश हो रही है और बिजली भी नहीं है। यही होता है हिल स्टेशंस में, बारिश होती है और बत्ती चली जाती है लंबे वक्त के लिए। तो हमने यहाँ टेरेस पर प्रैक्टिस शुरू कर दी है और सभी आर्टिस्ट यहीं पर आ गए हैं। तो हम यहाँ बेसिकली आप लोगों को इस गाने की शुरुआत में ले रहे हैं और उसके बाद बच्चे गाएंगे। आप इसमें अपनी ओपेरा सिंगिंग भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम शुरुआत कर सकते हैं गाने की, और जब गाना वर्स की तरफ बढ़ेगा तो हम उसमें यांगजी और धैमियन को भी जोड़ सकते हैं। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पिवोंग। पिवोंग, वेरी नाइस इंस्ट्रूमेंट, इट गिव्स अ लॉट ऑफ सोल टू दैट म्यूजिक। तो हम पहला बार ट्राई करेंगे, तो पहला बार होगा एफ शार्प में। हाँ, इसमें टिबेटन इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। मैंने परिक्रमा के सॉन्ग्स में पहले कभी टिबेटन साउंड्स का फ्यूजन नहीं किया है, तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये एकदम अलग होने जा रहा है, इसका अलग ही रंग सामने आने वाला है। हालांकि इसकी मेलोडी तो वही है, पर ये पहले से बिल्कुल अलग होगा। Morning, old dawn.
ये सब म्यूजिक आपस में इतना अच्छा घुला मिला और इससे मेरे अंदर सच में वो बचपन वाली एक्साइटमेंट आ गई है। आई एम रियली रियली एक्साइटेड विद दिस होल टूर। यू नो, इन सब चीजों पर काम करते हुए बच्चों के साथ काम करना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस सफर में बहुत सारी चीजें पहली बार हुई, जैसे कि हमने पहली बार कोलैबोरेट किया बच्चों के साथ और तैयार किया हमारे साथ परफॉर्म करने के लिए। हमारे एक गाने में करीब 50-60 बच्चे हमारे साथ परफॉर्म कर रहे थे, जो कि एक सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा था, पूरी तरह से आश्रम के बच्चों की मदद से बना हुआ, और ऐसा भी पहली बार हुआ था। और जिस तरह के रिजल्ट्स इस पूरी कोशिश से निकल कर आए हैं, मुझे लगता है कि जितनी खुशी उन्हें मिली हमारे साथ काम करके, उससे कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट और खुशी हम सबको मिली इनके साथ कोलैबोरेट करके।